आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। बलिदान सिंह का होते सुना बकरे बलिवेदी पर लाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटिया में फंसाए गए, न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, बलवान का बाल न बाका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए। जय भीम सभी को, मैं शालिनी आनंद, आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। क्रांतिकारी लेखक, प्रकाशक और जातिवाद के विरुद्ध विद्रोही चेतना के प्रखर नायक पेरियार ललई सिंह यादव जी के जन्मदिन पर हार्दिक बधाई। पेरियार ललई सिंह यादव एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने बहुजन समाज व सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया। सामाजिक न्याय के लिए अनेक पुस्तकों की रचना की जो अत्यंत विवादित रही, खासकर सच्ची रामायण। पेरियार की चर्चित किताब सच्ची रामायण को हिंदी में लाने और उसे पाबंदी से बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाले ललई सिंह यादव बहुजन क्रांति के नायक थे। ललई सिंह यादव सरकारी सेवा में थे लेकिन उनकी रुचि साहित्य प्रकाशन की ओर भी थी। एक के बाद एक उन्होंने श्रुति, स्मृति, पुराण और विविध रामायणें भी पढ़ी। हिंदू शास्त्रों में व्याप्त घोर अंधविश्वास, विश्वासघात और पाखंड से वो तिलमिला उठे। स्थान स्थान पर ब्राह्मणवाद की महिमा का बखान तथा दबे पिछड़े शोषित समाज की मानसिक दास्ता के षड्यंत्र से वो व्यथित हो उठे। ऐसी स्थिति में उन्होंने यह धर्म छोड़ने का भी मन बना लिया। अब वह इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि समाज के ठेकेदारों द्वारा जानबूझकर सोची समझी चाल और षड्यंत्र से शूद्रों के दो वर्ग बना दिए गए हैं, एक सचूत शूद्र, दूसरा अछूत शूद्र। शूद्र तो शूद्र ही है, चाहे कितना संपन्न ही क्यों ना हो जाए। उसी समय दक्षिण भारत के महान क्रांतिकारी पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के उत्तर भारत में कई दौरे हुए। वह उनके संपर्क में आए। जब पेरियार रामास्वामी नायकर से संपर्क हुआ तो उन्होंने उनके द्वारा लिखित रामायण अ ट्रू रीडिंग, जो कि अंग्रेजी में थी, उन्होंने इस पुस्तक में विशेष अभिरुचि दिखाई। साथ ही दोनों में इस पुस्तक के प्रचार प्रसार की संपूर्ण भारत, विशेषकर उत्तर भारत में लाने पर भी विशेष चर्चा हुई। उत्तर भारत में अंग्रेजी में इस पुस्तक के हिंदी में प्रकाशन की अनुमति पेरियार रामास्वामी नायकर ने ललई सिंह यादव को 1968 को दी थी और नाम दिया सच्ची रामायण। अंग्रेजी में छपी रामायण की पुस्तक को हिंदी में सच्ची रामायण को 1969 को प्रकाशन से संपूर्ण उत्तर पूर्व तथा पश्चिम भारत में एक तहलका सा मचा गया। छपते ही सच्ची रामायण ने वह धूम मचाई कि हिंदू धर्म के तथाकथित रक्षक उसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने दबाव में आकर 8 दिसंबर 1969 को धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में किताब को जब्त कर लिया। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया। पुस्तक प्रकाशन को यह मात्र एक ही वर्ष बीता था कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुस्तक जब्त कर और आदेश दिया गया कि यह पुस्तक भारत के कुछ नागरिक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर चोट पहुंचाने तथा उनके धर्म एवं धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने के लक्ष्य से लिखी गई है। उपरोक्त आज्ञा के विरुद्ध प्रकाशक ललई सिंह यादव ने हाईकोर्ट ऑफ जुडिशरी इलाहाबाद में क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन 28 फरवरी 1970 को प्रस्तुत की। माननीय 3 जजों की स्पेशल फुल बेंच इस केस में सुनने के लिए बनाई गई। अपील जो ललई सिंह यादव थे की ओर से निशुल्क एडवोकेट श्री बनवारी लाल यादव और सरकार की ओर से गवर्नमेंट एडवोकेट तथा उनके सहयोगी श्री पीसी चतुर्वेदी एडवोकेट व श्री आसिफ अंसारी एडवोकेट की इस बहस को जो ये बहस चली वो 3 दिन तक लगातार ये बहस चली। माननीय जस्टिस श्री ए के कीर्ति, जस्टिस के एन श्रीवास्तव तथा जस्टिस हरिस्वरूप ने बहुमत का निर्णय दिया कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की पुस्तक सच्ची रामायण की जब्ती की जो आज्ञा वो निरस्त की जाती है। जब तो शुद्धा पुस्तक सच्ची रामायण अपिलान यानी कि ललई सिंह यादव को वापस दी जाए। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से अपिलान ललई सिंह यादव को 300 रुपये खर्चे के भी दिलाए जाए।
इसलिए ललई सिंह यादव को उत्तर भारत का पेरियार भी कहा जाता है। ललई सिंह यादव का कहना था कि सामाजिक विषमता का मूल वर व्यवस्था, जाति व्यवस्था, श्रुति स्मृति और पुराणों से ही पोषित है। सामाजिक विषमता का विनाश सामाजिक सुधार से नहीं अपितु इस व्यवस्था से अलगाव में ही संभव है। अब तक उन्हें यह स्पष्ट हो गया था कि विचारों के प्रचार प्रसार का जो सबसे सबल माध्यम लघु साहित्य ही है। इन्होंने यह कार्य अपने हाथों में लिया। सन 1925 में इनकी माता श्री, 1939 में पत्नी और 1946 में पुत्री शकुंतला जो कि 11 वर्ष की थी, और सन 1953 में पिता श्री चार महाभूतों में विलीन हो गए। और जब अपने पिताजी के इकलौते पुत्र थे और पहली स्त्री के मरने के बाद दूसरा विवाह कर सकते थे, किंतु क्रांतिकारी विचारधारा होने के कारण इन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया और कहा कि अगली शादी स्वतंत्रता की लड़ाई में बाधक होगी। वह लगातार सामाजिक क्रांति में लगे रहे। ललई सिंह यादव द्वारा प्रकाशित सच्ची रामायण का प्रकरण जो है अभी तक ही चल रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो 10 मार्च 1970 की स्पेशल आज्ञा द्वारा जो सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें नामक पुस्तक, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर के कुछ भाषण थे, तथा जाति भेद का उच्छेद नामक पुस्तक 12 सितंबर 1970 को चौधरी चरण सिंह की सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। इसके लिए भी ललई सिंह यादव ने बनवारी लाल यादव एडवोकेट के सहयोग से मुकदमे की पैरवी की। मुकदमे की जीत से ही 14 मई 1971 को उत्तर प्रदेश सरकार की इन पुस्तकों की जब्ती की जो कार्रवाई वो निरस्त कर दी गई, और तभी से ये पुस्तकें जनता को भी सुलभ हो सकी। इसी प्रकार ललई सिंह यादव द्वारा लिखित पुस्तक आर्यों का नैतिक पोल प्रकाशक जो है प्रकाश के विरुद्ध 1953 में मुकदमा चला दिया गया। यह मुकदमा उनके जीवन पर्यंत चलता रहा। अलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सच्ची रामायण के पक्ष में मुकदमा जीतने के बाद पेरिया ललई सिंह यादव बहुजन समाज के नायक बन गए। ललई सिंह यादव बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से बहुत प्रभावित थे। बौद्ध धर्म में जाने की इच्छा भी थी और उनका प्रण था कि वह उन्हीं बौद्ध भिक्षु से दीक्षा लेंगे जिनसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दीक्षा लिया था। सन 1967 में हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म अपना लिया ललई सिंह यादव ने, और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने अपने नाम से यादव शब्द हटा दिया। यादव शब्द हटाने के बाद पीछे उनकी गहरी जाति विरोधी चेतना काम कर रही थी। वे जाति विहीन समाज के लिए संघर्ष कर रहे थे और एक जाति विहीन समाज की कामना भी कर रहे थे। पेरिया ललई सिंह यादव ने इतिहास के बहुजनों नायकों की खोज की। बौद्ध धर्मानुयायी बहुजन राजा अशोक उनके आदर्श व्यक्तियों में शामिल थे। उन्होंने अशोक पुस्तकालय नाम से प्रकाशन संस्था कायम की और अपना प्रिंटिंग प्रेस लगाया जिसका नाम सस्ता प्रेस रखा। उन्होंने 5 नाटक भी लिखे थे, अंगुलीमान नाटक, शंभुकवध, संत माया बलिदान एकलव्य और नाग यज्ञ नाटक जो गद्य में भी उन्होंने 3 किताबें भी लिखी हैं, शोषितों पर धार्मिक डकैती, शोषितों पर राजनीतिक डकैती और सामाजिक विषमता कैसे समाप्त हो। 1950 में सरकारी सेवा में मुक्त होने के बाद उन्होंने अपने को पूरी तरह से बहुजन समाज की मुक्ति के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने इस बात का गहराई से आभास हो चुका था कि ब्राह्मणवाद के खात्मे के बिना बहुजनों की मुक्ति नहीं हो सकती। एक सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और प्रकाशक के रूप में उन्होंने अपना पूरा जीवन ब्राह्मणवाद के खात्मे और बहुजनों की मुक्ति के लिए समर्पित कर दिया। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें अपने अमूल कमेंट देकर जरूर बताएं, और हमारी आने वाली ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शालिनी को दीजिए इजाज़त। जय भीम।